बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के शायकीन के लिए एक बुरी खबर कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुलतवी कर दिया गया है। पीएसएल को मुलतवी करने का फ़ैसला आज पीएसएल इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज मालकान के दरमियान एक अजलास में किया गया। पीएसएल को मुलतवी करने का फ़ैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्दनज़र रखते हुए किया गया। पीएसएल के दौरान 7 खिलाड़ियों में कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बायस गैर मुल्की खिलाड़ियों में तशवीश पाई जाती थी। उन्होंने वतन वापस जाने का मुतालबा कर दिया था। ज़राए का कहना है कि पीएसएल जामिया की गफलत से मुलतवी हुआ। इतना बड़ा इवेंट जिसमें अरबों रुपए लगाए गए थे, इस इवेंट को मुलतवी नहीं होना चाहिए था। पीएसएल इंतज़ामिया ने जो है वो अपनी गफलत का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इवेंट को मुलतवी किया गया। इवेंट के दौरान 7 खिलाड़ियों का कोरोना पॉजिटिव आया है। पीएसएल इंतज़ामिया ने खिलाड़ियों को जिस होटल में ठहराया था, उस होटल को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मख्तस होना चाहिए था, जबकि ज़राए के मुताबिक उस होटल में शादी की तकरीबात भी चलती रही। खिलाड़ियों में कोरोना केसेस के सामने आने पर पीएसएल को मुलतवी कर दिया गया। उस होटल में खिलाड़ी और आम लोग आते जाते देखे गए, जबकि वो होटल पीएसएल इवेंट के दौरान सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मख्तस होने चाहिए थे। वहाँ पर आम पब्लिक का या किसी दूसरी तकरीबात का इनकार बायस तशवीश है। पीएसएल इंतज़ामिया को इतने बड़े इवेंट के दौरान इस किस्म की गफलत नहीं करनी चाहिए थी। और कोरोना केसेस जब पॉजिटिव आ रहे थे, तो पीएसएल इंतज़ामिया ने खिलाड़ियों को और फ्रेंचाइज मालकान को इससे आगाह नहीं किया। इंतज़ामिया ने फ्रेंचाइज मालकान को एतमाद में भी नहीं लिया कि कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, इस हवाले से कोई SOPs तय किए जाते, बल्कि इसके बजाय इस केसेस को छुपाया गया और इस तरह की गफलत का सामना किया गया जिसका खमियाजा पूरी कौम भुगतेगी। पीएसएल मुलतवी होने के बाद अब दोबारा नई डेट का ऐलान कोरोना केसेस ख़त्म होने के बाद किया जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने के लिए, यानी अपने वतन वापस जाने के लिए जोर दे रहे हैं, लिहाजा इस वजह से आज इजलास मरतब किया गया, जिसमें यही तय पाया गया कि पीएसएल को मुलतवी कर दिया जाए। गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, वो अपने वतन वापस जाना चाहते हैं, और इस किस्म की परेशानी की हालत में टूर्नामेंट को जारी रखना पॉसिबल नहीं है। ये एक बहुत बुरी खबर है हमारे पीएसएल के शायकीन के लिए कि जो पूरे जोश व खरोश के साथ पीएसएल एंजॉय कर रहे थे, अचानक इतना बड़ा ब्रेक जो है वो उनके लिए सदमे से कम नहीं है। और ये सारी गफलत पीएसएल इंतज़ामिया की है।